हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल बॉटनी गर्ल में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास सिक्स साइंस चैप्टर थ्री फाइबर टू फैब्रिक क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज क्लासिफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर वन में आपको ये कुछ फॉलोइंग फाइबर्स दे रखे हैं, आपको उनको क्लासिफाई करना है कि ये नेचुरल फाइबर है या सिंथेटिक फाइबर है। तो नेचुरल फाइबर्स जो है उनके वो नाम लिखे हुए हैं कुछ फाइबर्स के। तो नेचुरल फाइबर्स जो हैं वो है वूल, कॉटन, सिल्क, जूट, वेराज जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो है नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। क्वेश्चन नंबर टू स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन नंबर टू में आपको ये बताना है कि ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। ए इज यार्न इज मेड फ्रॉम द फाइबर्स। जो यार्न है वो बना हुआ होता है फाइबर्स से, तो ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ट्रू है। बी इज स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स। जो स्पिनिंग है ये प्रोसेस है जिससे हम फाइबर्स बनाते हैं, नहीं स्पिनिंग जो है ये एक प्रोसेस है जिससे हम यार्न बनाते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। सी इज अ जूट इज अ आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। जो जूट है वो एक आउटर कवरिंग है कोकोनट की, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जो जूट है वो हमें मिलता है स्टेम से, जूट प्लांट से, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी फॉल्स है। डी इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड्स फ्रॉम द कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। वो प्रोसेस देखिए, गिनिंग एक प्रोसेस है जिसमें जो सीड्स हैं वो रिमूव किए जाते हैं कॉटन से, तो इस प्रोसेस को हम गिनिंग बोलते हैं। बिल्कुल ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ई इज द वीविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। देखिए, जब हम यार्न को वीविंग करते हैं तो क्या बनता है, पीस ऑफ फैब्रिक बनता है, ये स्टेटमेंट में बिल्कुल ट्रू है। एफ इज द सिल्क फाइबर्स इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द प्लांट। जो सिल्क फाइबर्स है वो हमें मिलते हैं स्टेम ऑफ द प्लांट से। नो, आंसर इज जो सिल्क फाइबर्स जो होते हैं वो हमें मिलते हैं सिल्क वॉर्म से, तो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। जी इज पॉलिएस्टर इज अ नेचुरल फाइबर। जो पॉलिएस्टर है वो एक नेचुरल फाइबर है। नो, जो पॉलिएस्टर है वो क्या है, एक सिंथेटिक फाइबर है, तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर थ्री फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर थ्री में आपको फिल इन द ब्लैंक्स है वो करने हैं। ए इज अ प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम डैश एंड डैश। जो प्लांट फाइबर्स है वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं, कॉटन एंड जूट से। बी इज एनिमल फाइबर्स आर डैश एंड डैश। एनिमल फाइबर्स कौन कौन से होते हैं, सिल्क एंड वूल। फोर्थ इज फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन। कौन से पार्ट ऑफ द प्लांट से कॉटन और जूट जो है वो ऑब्टेन होता है। द आंसर इज कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट। जो कॉटन है वो हमें मिलता है फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट से, वेयर एज जो जूट है वो हमें मिलता है स्टेम ऑफ द जूट प्लांट से। स्टेम जो होती है जूट प्लांट की, उससे हमें जूट मिलता है। क्वेश्चन नंबर फाइव नेम टू आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम द कोकोनट फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर फाइव में आपको ये बताना है कि कोई भी ऐसे दो आइटम्स बताने हैं जो कोकोनट फाइबर्स से बने हुए होते हैं। द आंसर इज गनी बैग्स, जो गनी बैग्स हैं, और रोप्स और मैट्स हैं, ये कोकोनट फाइबर्स से बनती हैं। सिक्स्थ इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम द फाइबर्स। क्वेश्चन नंबर सिक्स में आपको ये बताना है, प्रोसेस बताना है जिससे जो यार्न है वो बनता है फाइबर्स से। तो सोल्यूशन इज यार्न्स आर मेड फ्रॉम द थिन स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। जो यार्न है वो बनता है थिन स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स से। देखिए, जो प्रोसेस है जिसमें यार्न जो है वो बनता है फाइबर्स से, उसे हम कहते हैं स्पिनिंग। किस प्रोसेस से, स्पिनिंग प्रोसेस से जो यार्न है वो बनता है फाइबर्स से। इस प्रोसेस में जो मास होता है कॉटन वूल का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ड्रॉ करते हैं, उसको ट्विस्ट करते हैं। अब ये जो फाइबर्स है इसको हम एक साथ लाते हैं, एक साथ ट्विस्ट करेंगे और तो क्या बनेगा, यार्न बनेगा। और किस प्रोसेस से, स्पिनिंग प्रोसेस से। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी सारी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। थैंक यू सो मच।